देखें जो हमारे स्पोक पर्सन ने बात की है इसका यकीनन सारे पाकिस्तान ने देखा, सारी दुनिया ने बल्कि देखा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जिस अंदाज से एक मुनहदम करने के लिए कोशिशें काविशें की जा रही हैं दो साल से, आप सबके सामने हैं। कल की रात की मज़मूम ये हालत जो है आपने देखी कि हमारे दफ्तर को सील कर दिया गया है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को जो है एक किस्म का बखेर के सड़क पे ला के बिठा दिया है। पंजाब का मेरा जो जहाँ के मैं MNA हूँ जहाँ से, वहाँ भी हमारा पंजाब का दफ्तर को भी सील किया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील किया हुआ है। और ये सील 9 मई के बाद से शुरुआत किए हैं और उसका मालिक को जो है वो पाबा सलासल करके 9 मई के जो है उसमें उन्हें भी अंदर किया हुआ और मिलिट्री ट्रायल उसका किया जा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की है लेकिन वहाँ से हमारी आए दिन डाका मारा जाता है, वहाँ बाकायदा जो कि सील उन्हीं की सील लगी हुई है, वहाँ अंदर से जो है लाखों करोड़ों रुपए का हमारा फर्नीचर जो है, हमारे स्क्रीन जो है वो बड़े बड़े लगे हुए थे, हमारे जो है वो अपना टेलीविज़न सेट्स, हमारे जो कंप्यूटर सेट्स, हमारी मशीन सारी एक पूरा सेटअप था, एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी। वहाँ लाहौर ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था और पंजाब ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था और वहाँ से जो है वो चोरी डकैती की जाती है और इन्हीं की सुपरविजन में बाज़ाब्ता की जा रही है। तो इन चीज़ों से अवाम के अंदर गम गुस्सा और नफ़रत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदिम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे तो वो इनकी गलत फहमी है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। एक और मसाला जिस पर मैं आपको जो है वो भी शदीद मज़म्मत करता हूँ, मैं ये जो चढ़ दौड़े हैं इस वक्त अदलिया पर, जो इन्होंने यलगार एक मार रखी है अदलिया पर इस वक्त, और उनको जो है काउंट डाउन करने के लिए, उनको जो है अंडर प्रेशर करने के लिए, और ये जो प्रॉक्सी कहा गया, जिस प्रॉक्सी के बारे में माशाल्लाह एक सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीर करके तो कहा गया, जुर्रत कैसे हुई आपको मुझे प्रॉक्सी कहने वाली, ये शर्म आनी चाहिए कि इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को जो है ललकारा जा रहा है। इन ऐवानों में पार्लियामान में अगर आप देखें, आइन भी इस चीज़ का मुतकाजी है कि अदालती जेर तजवीज़ मुकदमात पर कोई बहस कोई बात नहीं की जा सकती है, और जजेस को मैं तो हैरान होता हूं कि चेयर कैसे इजाज़त दे रही है कि वो न सिर्फ ये कि वहाँ बबांगे दुहल ललकार रहे हैं जजेस को, और बल्कि यानी इस हद तक नाशायस्ता ज़बान इस्तेमाल की गई है, वहाँ एक ने नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे नाम लेने से भी उनका कद बढ़ता है, बड़े हो जाते हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, एक नहीं बहुत सारे वहाँ गुमाश्ते जो है उन्होंने माशाल्लाह बशमूल वज़ीर कानून के, जिन्होंने बड़ा वहाँ ज़ोर शोर से कहा, ओ भाई तुम आईनी एक इदारे को किस तरह से जो है ज़ेरे नगी कर सकते हो, वो 16 महीने गए, जिन 16 महीने में तुमने जो है एक मजाक उड़ाया अदलिया का और तुमने सुप्रीम कोर्ट की तजहीक की और तुमने 5-3 और 3-2 और 5-9 के चक्कर में जो है सारा निज़ाम अदल को जो है मफलूज करके रख दिया, और तुमने जो है न सिर्फ ये कि ख़जाना ने कहा कि पैसे नहीं है, न सिर्फ ये कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि हम जो है इनको वागुजार नहीं कर सकते इलेक्शन प्रोसेस के लिए, 14 मई की तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी 90 दिन से मुतजावज थी, लेकिन फिर भी एक तारीख दी गई, आपने उसको बखेर के उड़ा के फेंका कि ना पैसे देंगे, ना जजेस देंगे, ना जो है रेंजर देंगे, ना पुलिस देंगे, ना कुछ करेंगे, तो आपने तजहीक उड़ाई उसकी अदलिया की। वो वक्त गया लेकिन फिर भी हम 8 फरवरी में आए और 8 फरवरी में लोग बड़े बबांगे दोल उन्होंने अपने आप को साबित किया, ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन था जिसमें आपने तमाम तर PTI को बखेर के फेंका हुआ था, और फिर भी लोग कैंडिडेट को भी ढूंढ रहे थे और अपना सिंबल भी उनका ढूंढ रहे थे, पोलिंग स्टेशन भी ढूंढ रहे थे,
और उन्होंने एक दरिया का जो है समंदर अबूर करके, जो है आग का समंदर अबूर करके उन्होंने जाके अपना मुसल्लम करवाई और अपनी आवाज़ बबांगे दोहल बताई कि इमरान खान को आपने एक हफ्ता पहले इलेक्शन से 3 केसों में सजा करवाई, 3 केसों में, शर्मनाक है। आखिरी इद्दत का केस भी 29 को इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वो आपने देखा जिस तरह से तोशाखाना का केस में, और जिस तरह से आपने देखा साइफर के केस की, जिस तरह अलकादर के केस में आपने देखा, वो 190 मिलियन पाउंड किधर गया? कहते हुए इनको जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, उनको शर्म आनी चाहिए। वोट को इज्जत दो, आपने मैंडेट चोरी किया है, डाका मारा है आपने, और फिर आप एक जमात के जो है ताज पोशी के लिए तशरीफ़ ले आए हैं, ऊपर भाई को बिठा दिया, नीचे बेटी को बिठा दिया और उनको इख्तदार दे दिया। ये बंदर बांट हो रही है कोई इख्तदार की इस अंदाज से? तो ये मैं समझता हूँ जिस तरह से अब इन्होंने अदलिया पर चढ़ाई की है, पूरी लीगल फ्रटर्निटी, पूरी जो है हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम देखते हैं कौन जजों को ललकार कर कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। अगर ये तौहीन अदालत करेंगे तो आर्टिकल 204 इन प्ले आएगा, और ये कहना कि जी जजेस को 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं करना चाहिए और दुनिया में ख़त्म हो गया है, और किस दुनिया की बात करते हो तुम? उस दुनिया की ज़रा तकलीफ तो करो। उस दुनिया में ये नहीं होता कि मैंडेट चोरी इस तरह डाका मार के आप हारे हुए को जिता दें और जीते हुए को हरा दें। उस मुल्क में फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली कहानी नहीं की जाती है। आप बात करते हो तजहीक की, अदलिया की तजहीक की, अदलिया की तजहीक करके देखो तुम, आओ ज़रा हम तुम्हें देखेंगे। बहुत खेल कर लिया आपने निज़ाम अदल के साथ। निज़ाम अदल के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है आप आईन को एब्रोगेट कर रहे हो, क्योंकि आईन ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर है, एक सतून है जो आवाम को इंसाफ देता है और जो ना सिर्फ ये मुकन्नना को भी चेक्स एंड बैलेंसेस में रखता है, वो ये भी देखता है कि क्या ये कानून भी आईन के मुतसादम है, बुनियादी हकूक़ के मुतसादम है। ये भी अदलिया की ही अख्तियार में है, और अदलिया के अख्तियार में आर्टिकल 189 और 190, ये भी एक इमरानी मुआहदा आईन का हिस्सा है कि हर शख्स ताबे है कि ये मुआवनत करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अमलदारी पर यकीनी बनाएगा। तो आप कैसे आइन से मावरा कोई काम करते हो? हम इंशाल्लाह देखेंगे, और लीगल फ्रटर्निटी बिल्कुल, हम न सिर्फ अदलिया के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं। और ये जो प्रॉक्सीज़ जो करते हैं, ज़रा आकर देखें आवाम के अंदर, इनको पता चल जाएगा। बार में आकर देखें, इनको पता चल जाएगा कि कितना गम गुस्सा है और कितनी नफरत है इनके ख़िलाफ़। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, और आइन पर अमलदारी यकीनी बनाएंगे और कानून की पासदारी पर, और जजेस की हम शील्ड बन के खड़े होंगे। आज अगर जजेस ने कहा है कि निज़ाम अदल को पाबा जंजीर कर दिया गया है, और आज अगर अदलिया सारी हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केस है उस पर कमेंट नहीं हो सकता, ना पार्लियामेंट में हो सकता है, ना सेनेट में हो सकता है, ना नेशनल असेंबली में हो सकता है, लेकिन ये इनको खुली छूट है कि जिस तरह का से, और फिर लाइव दिखाया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग। हम जब बात करते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है, और ये जुल्म नहीं चलेगा। अब इमरान खान को जब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं तवक्को करता हूँ कि इमरान खान का वो एड्रेस लाइव दिखाया जाएगा, और न सिर्फ ये बल्कि इमरान खान को खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी जाए। अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को अगर ये इजाज़त होती है कि वो काल कोठी से लाकर उसे 4 दिन वो सुप्रीम कोर्ट में तकरीर करते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो फिर क्यों कर ये डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इमरान खान के साथ? और अगर इमरान खान को आप उस पर लाइव उस पर लाते भी हैं, वीडियो लिंक पर लाते भी हैं, तो भी आप उसका जो है म्यूट कर देते हैं। ये किस कानून के तहत आपने, किस डुप्लिसिटी में आपने म्यूट किया उसको? तो मैं ये विनती करता हूँ और तवक्को करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि वो उन्हें तलब करेंगे, और ये तारीखी किताब होगा, आप देखेंगे, कौम और मुल्क देखेगी इसको कि किस अंदाज से इस मुल्क पर जो है इन कुव्वतों ने जो है गलबा और कब्ज़ा किया हुआ है, और वो आवाम की जो है ज़बान बताएंगे आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती, और आवाम को वो हकीकी आज़ादी इंशाअल्लाह दिलाकर रहेंगे।
اور میں دوبارہ بعض دیگر آپ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ فسطائیت کی انتہا ہے جو کی گئی ہے. یہ اگر سمجھتے ہیں اس سے رؤوف حسن کو یہ یا پاکستان تحریک انصاف اس سے دب جائے گی, خائف ہو جائے گی, گھروں میں بیٹھ جائیں گے, تو یہ غلط فہمی میں ہیں. اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان چیزوں کا احاطہ ضرور ہوگا. تاریخ میں تو رقم کر دیا گیا ہے, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ہر ظلم کے ساتھ خلاف ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے گواہ ہے اس ظلم کا, اور انسان ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کیفر کردار تک انہیں پہنچانے کی کوشش.